जंजीर फिल्म का सीक्वल क्यों बनाया जा रहा है? जंजीर में काम करने से धर्मेंद्र पाजी ने क्यों मना कर दिया? और शत्रुघ्न सिन्हा को इस फिल्म से बाहर क्यों होना पड़ा? दूसरों की बियर धर्मेंद्र पाजी क्यों पी जाते थे? जंजीर के सीक्वल में ऋतिक रोशन को क्यों लिया जा रहा है? और क्यों कहा जा रहा है कि इस फिल्म में सलमान खान एक कैमियो करेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। इस इंडस्ट्री में ऐसे वैसे लोग बन जाते हैं कैसे कैसे, मुझे तो मैं भी ना बनना आया, वैसा बनूं तो कैसे। दोस्तों, ऐसा हम नहीं, एक्टर धर्मेंद्र कहते हैं। एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र पाजी ने अपने शायराना अंदाज में कई किस्से सुनाए, अपने करियर और बॉलीवुड के कई और एक्टर्स के बारे में भी खुलकर बातें की। उनमें से सारी तो नहीं, पर कुछ खास बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि झंझीर फिल्म में धर्मेंद्र पाजी ने काम करने से मना कर दिया था। धर्मेंद्र जी बताते हैं कि उन्होंने फिल्म झंझीर की स्टोरी सलीम खान से 17,500 रुपये में खरीदी थी 1973 में। काफ़ी समय तक वो उन्हीं के पास पड़ी रही। डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने धर्मेंद्र के साथ मिलकर समाधि बनाने के बाद झंझीर बनाने की इच्छा जाहिर की। वो इस फिल्म के लिए बहुत उत्साहित थे, इसीलिए धर्मेंद्र पाजी ने मेहरा को कहानी दे दी। ये बात जब धर्मेंद्र के कजिन रंजीत विक्र को पता चली तो धर्मेंद्र की बहन ने उनको कसम में बांध दिया, ये कहकर कि आप मेहरा के साथ ये फिल्म नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे एक ऑफर को ठुकराया था। इस इमोशनल बंधन और घरवालों के दबाव में आकर धर्मेंद्र पाजी को फिल्म जंजीर छोड़नी पड़ी, जबकि डायरेक्टर प्रकाश मेहरा की पहली और आखिरी चॉइस धर्मेंद्र ही थे। धर्मेंद्र के इनकार करने के बाद प्रकाश मेहरा ने उस समय के बाकी फेमस हीरो जैसे दिलीप कुमार, राजकुमार और देवानंद को भी अप्रोच किया, लेकिन आखिर में उन्हें अमिताभ बच्चन को ही फाइनल करना पड़ा। ये एक रिस्क भी था क्योंकि अमिताभ बच्चन की तब तक सिर्फ एक फिल्म हिट रही थी, आनंद, लेकिन आनंद की सफलता का श्रेय गया राजेश खन्ना को। में धर्मेंद्र पाजी की जगह अमिताभ बच्चन आए तो एक और बड़ा बदलाव हुआ। पहले इस फिल्म में धर्मेंद्र पाजी के साथ एक्ट्रेस मुमताज को कास्ट किया गया था, लेकिन धर्मेंद्र पाजी गए तो मुमताज की जगह भी जया बहादुरी को कास्ट कर लिया गया। वहीं शोले में जय वीरू की वजह से आए थे। जी हाँ, ये वो बात है जो धर्मेंद्र पाजी ने कभी सार्वजनिक रूप से नहीं कही, लेकिन इंटरव्यू में उन्होंने कहा। धर्मेंद्र पाजी ने कहा कि अब अमिताभ बच्चन भी बोलते हैं तो मैं बता देता हूँ कि हाँ, मेरे पास ऑफर आया, पूछा गया कि इस रोल के लिए किस एक्टर को ले सकते हैं, तो मैंने अमित जी का नाम दे दिया। वैसे ये रोल शत्रुघ्न सिन्हा को जाने वाला था। शत्रुघ्न सिन्हा को जब पता चला तो वो मुझसे बोले, पाजी ये क्या कर दिया? तो मैंने कहा, यार वो पहले आया तो मैंने कहा उसको दे दो। अब दोस्तों, इस पहले आया तो को हम थोड़ी तफसील से आपको बताते हैं। अमिताभ बच्चन उन दिनों स्ट्रगल कर रहे थे तो वो बड़े स्टार्स से कहा करते थे कि यदि कोई रोल हो तो उन्हें याद कर ले, तो धर्मेंद्र पाजी इसी की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुंबई आकर धर्मेंद्र पाजी का पहला सपना था एक कार खरीदना। उनके पास पैसा आया तो उन्होंने कार खरीदी पूरे 18,000 में, लेकिन ये सपना पूरा करते हुए भी उनके दिमाग में ये बात थी कि कहीं वो बतौर एक्टर असफल ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने फिएट की कार ली। ये कार भरोसेमंद होती है और इसीलिए बतौर टैक्सी बंबई की सड़कों पर चलती थी। तो धर्मेंद्र पाजी की ये सोच थी कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में ना चले तो टैक्सी चलाकर पेट भरेंगे और उसके साथ स्ट्रगल करेंगे, लेकिन मुंबई में कुछ बन कर रहेंगे। वहीं एक बार धर्मेंद्र पाजी ने बॉलीवुड की पहली मल्टी स्टारर फिल्म को करने से भी मना कर दिया था। ये फिल्म थी वक्त, जो 1965 में रिलीज हुई थी। यश चोपड़ा ने धर्मेंद्र पाजी को फिल्म में तीन भाइयों में से सबसे बड़े का रोल दिया था। धर्मेंद्र पाजी तब इंडस्ट्री में नए नए छाए थे, तो धर्मेंद्र पाजी ने यश साहब से मंझले भाई का रोल मांगा और इसका रीजन ये दिया कि अगर मैं बड़े भाई का रोल करूंगा तो मुझे बड़े भाई टाइप के रोल मिलने लग जाएंगे, मगर यश चोपड़ा ने धर्मेंद्र जी को मना कर दिया। तो धर्मेंद्र बताते हैं कि फिर उन्होंने भी इस रोल को जाने दिया,
वहीं मनमोहन देसाई की फिल्म अमर अकबर एंथनी के बारे में बताते हुए धर्मेंद्र ने कहा कि जब ये फिल्म देसाई मेरे पास लेकर आए थे तब मैं 16 से 20 घंटे काम कर रहा था, क्योंकि तब धर्मवीर और चाचा भतीजा की शूटिंग हो रही थी। इसीलिए मैंने उन्हें कहा कि ये वाली फिल्म आप किसी और के साथ बना लीजिए, मैं आपकी नेक्स्ट फिल्म जरूर करूंगा। ये सुनकर देसाई कुछ बोले तो नहीं, मगर उनके ईगो को ठेस पहुंच गई। फिर हमारे रास्ते अलग अलग हो गए। वहीं कहा जाता है कि दूसरे की बियर पी जाते थे धर्मेंद्र पाजी। जी हाँ, 1987 में आई फिल्म आग ही आग की शूटिंग के दौरान एक दिन दोपहर में धर्मेंद्र पाजी का बियर पीने का मन किया। उन्होंने फिल्म की एक्ट्रेस मौसमी चैटर्जी को ग्लास में बियर डालकर लाने को कहा और साथ ही एक एक्स्ट्रा निर्देश दिया कि उसमें झाग बनाकर लाना। तो मौसमी ने उनसे बंगाली एक्सेंट में पूछा, ए धर्मेंद्र, ये क्या पीता है? मौसमी को पता होता था कि धर्मेंद्र पाजी बियर पी रहे थे, लेकिन वो जानबूझकर सबके सामने उनसे ये सवाल किया करती, ये देखने के लिए कि धर्मेंद्र पाजी जवाब क्या देते हैं। मौसमी के सवाल पर धर्मेंद्र पाजी ने कह दिया, लस्सी। तो मौसमी ने कह दिया, मुझे भी देना। तब धर्मेंद्र पाजी ने हार कर कह ही दिया, हाँ मैं बियर पी रहा हूँ। बियर का दूसरा किस्सा है फिल्म शोले का। शोले के एक कैमरामैन थे जिनका दिन में 5 से 7 बियर पीने का रूटीन था। धर्मेंद्र पाजी ने बताया कि एक दिन वो जिम के पीछे बैठे थे, पास में जिम की बियर पड़ी थी तो उन्होंने भी कुछ सिप मार लिए। उसके बाद जिम ने बोतल उठाकर देखी तो उन्होंने सोचा कि मैंने तो इतनी पी नहीं, फिर बियर गई कहाँ? ऐसा कई बार हुआ। जिम बेचारे पूछते फिरते, हाउ कम इज दिस पॉसिबल? लेकिन एक दिन धर्मेंद्र पाजी की चोरी पकड़ी गई। जिम ने बस इतना कहा, ओ सो यू आर द वन हु ड्रिंक्स माय बियर। वहीं धर्मेंद्र पाजी के बारे में एक और किस्सा बताया जाता है कि बिना फिल्म के डायरेक्टर को बताए वो स्टंट कर लिया करते थे। दोस्तों, फिल्मों में धर्मेंद्र पाजी ने अपने कई स्टंट्स खुद किए हैं। जी हाँ, शोले में धर्मेंद्र घोड़े पर सवारी करते हुए दूसरे आदमी पर कूदे और उसे लेकर नीचे गिर गए। बताते हैं कि जब उस आदमी को लेकर वो गिर रहे थे तो घोड़े के पैर उस आदमी पर आने वाले थे, तब धर्मेंद्र पाजी ने अपना पूरा जोर लगाकर घोड़े को खींचा जिससे घोड़ा एक तरफ गिरा और वो आदमी दूसरी तरफ। स्टंट्स को लेकर धर्मेंद्र पाजी का एक और दिलचस्प किस्सा भी है। उन्होंने राज खोसला की फिल्म मेरा गांव मेरा देश, जो 1971 में आई थी, इस फिल्म में काम किया। राज खोसला फिल्म के कास्ट और क्रू की सुरक्षा को लेकर बहुत ही सजग रहते थे। इस बात से धर्मेंद्र पाजी वाकिफ थे, लेकिन फिल्म का एक सीन करने का उनका बहुत मन था। इसमें उन्हें घोड़े से गिरना था। राज ये स्टंट किसी प्रोफेशनल से करवाने वाले थे, लेकिन धर्मेंद्र पाजी ने फिल्म के एक्शन डायरेक्टर से सेटिंग करके इस सीन में खुद स्टंट करने की स्कीम बनाई। उन्होंने एक्शन डायरेक्टर को राज खोसला से ये बात छुपाने को कहा ताकि वो सीन बिना रोक टोक हो जाए। ये धर्मेंद्र पाजी अपने सीन को और नेचुरल बनाने के लिए कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने वो स्टंट किया, वो घोड़े से खतरनाक तरीके से गिरे। इसे देख खोसला उठ खड़े हुए। तभी एक्शन डायरेक्टर ने उन्हें समझाया कि सर कोई बात नहीं, धर्मेंद्र पाजी ये सीन खुद करना चाहते थे, वो ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, जहां इस फिल्म के सीक्वल बनाने की चर्चा फिल्मी गलियारों में चल रही है, तो आपको बता दें कि ऋतिक रोशन ने अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म अग्निपथ के रीमेक में काम किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। और यही कारण है कि फिल्म मेकर्स अमिताभ बच्चन द्वारा निभाए गए किरदार को फिर से ऋतिक रोशन के हाथों में सौंपना चाहते हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सदी के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन द्वारा निभाया गया जंजीर का किरदार, जो आज भी बॉलीवुड में कल्ट कैरेक्टर के रूप में देखा जाता है, उसे ऋतिक रोशन कैसे पोर्ट्रेट करते हैं, जबकि साउथ के सुपरस्टार रामचरण तेजा ने उसी रोल को निभाया था और इस फिल्म में रामचरण तेजा के साथ प्रियंका चोपड़ा ने साथ दिया था। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस करने में असफल रही और इसीलिए इस बार मेकर्स चाहते हैं कि ग्रीक गॉड यानी कि ऋतिक रोशन फिर से अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन वाला किरदार पर्दे पर जीवंत करें। लेकिन अभी तक ये निश्चय नहीं हुआ है कि सलमान खान इस फिल्म में कैमियो करेंगे या नहीं। इनफैक्ट ये एक महज अफवाह है। आज के लिए बस इतना ही। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आप भी चाहते हैं कि इस फिल्म का सीक्वल बने और इस फिल्म के सीक्वल में अमिताभ बच्चन वाला रोल कौन निभाए? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा
और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।